हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णव, शैक्त, फिर शैविज्म, फिर उसके बाद से भक्ति मूवमेंट एंड सूफी, ये सारा को सारा डिस्कशन हम लोगों ने देख रखा है। फिलहाल एक काम करेंगे, पहले हम लोग जरा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णव, शैक्त और जो शैविज्म है, तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चंस रिलेटेड विद भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म। तो फटाफट इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ हमारे पास है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू रीड दोज फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, देखिए वो फिलहाल हिंदी में क्वेश्चंस हैं, बट आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश और इस तरीके से आपको दोनों ही चीजें जो होती हैं कवर हो जाएंगी। वैसे भी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो एज सच मच डिफरेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज द टर्म्स आर मेनली इन हिंदी। ओके, तो फटाफट शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए आर्ट एंड कल्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है देन ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज वेयर प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड मेंस ओरिएंटेड दोनों ही डिस्कशन किए जाएंगे। थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया जाएगा, क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड दोनों ऑब्वियसली यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस सीरीज। अगर हम लोग स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर जैन रिलीजन के बारे में बात करें, जैनिज्म के बारे में बात किया जाए, तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, इनको हम लोग जरा वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक्स है और अगर कुछ क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ क्या प्रोबेबल है तो वो भी यहाँ पर बता दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी। मतलब श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर इज द तीर्थंकर, उनकी जो ये बड़ी सी जो स्टैच्यू है वो किसने जो है वो एस्टैब्लिश करवाई थी। तो देखिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर विजयनगर अंपायर था, दिस इज विजयनगर अंपायर और इस विजयनगर अंपायर के ही लोगों ने एस्टैब्लिश किया होगा। सबसे बड़ी जो मूर्ति है दैट इज द ऋषभ देव की जो है दो जगह पे मूर्ति है, एक तो यहीं पर है यहीं पर और दूसरी है जो राजस्थान में है, दिस इज राजस्थान। और राजस्थान में भी जो वल्लभी मतलब गुजरात को बोला जाता था, जो वल्लभी के राजा थे उनके जो मिनिस्टर था दैट इज विमल पान मसाला, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं हम लोग, इन्होंने जो है वो एस्टैब्लिश की थी ऋषभ देव की मूर्ति कहां पर, जैन में। और इसी कारण से जैन जो है मतलब कि राजस्थान एक पिलग्रिमेज सेंटर बन गया है जैन लोगों का। फिलहाल अगर यहां पर अगर आंसर देखेंगे तो देखिए कृष्ण प्रथम दिस इज एक्चुअली राष्ट्रकूटा, तेजपाल, कुमारपाल ये दोनों लोग जो होते हैं वो विजयनगर से रिलेटेड नहीं है, तो चामुंडा राय जो है केवल और केवल रिलेटेड हो जाएंगे। और तो देखिए क्वेश्चन जो होता है वो आप ये मत देखिएगा कि कहाँ पूछा गया, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन सेवरल एग्जामिनेशंस, देन ऑब्वियसली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। देखिए सिविल्स में तो मुश्किल है यहाँ पाना इस तरीके के क्वेश्चन, बट स्टिल हैव अ लुक ऑन दैट, और ताकि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ ही जाता है इनकेस तो आप सॉल्व करने लायक रहे, अदरवाइज ये सारे के सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं, इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन रिवीजन इन योर जो भी जैन से रिलेटेड आपने पढ़ा है। जैन के अगर एस्टैब्लिशर के बारे में बात करें तो देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर एक पूछा जाए रियल फाउंडर और दूसरा है सिर्फ और सिर्फ फाउंडर। तो रियल फाउंडर के नाम पे अगर बात करेंगे तो आ जाएंगे महावीर स्वामी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फाउंडर, तो फाउंडर के लिए आप बता देंगे ऋषभ देव का नाम, जिन्हें आदि देव या आदि गुरु भी बोला जाता है। आगे अगर बात करें तो महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस क्या है, तो बर्थ प्लेस आपको पता ही है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, कुंडग्राम में हुआ था। इसमें से कौन से एक जैन तीर्थंकर नहीं है, तो देखिए वी हैव 24 तीर्थंकर्स, अब 24 का नाम याद रख पाना इट इज क्वाइट टफ एंड आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू लर्न ऑल दोज 24 तीर्थंकर्स, लेकिन कुछ का नाम आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे संभवनाथ जो होती है ये
फिफ्थ नंबर के तीर्थंकर है जिसको मैंने बोला था याद रखिएगा, नेमिचंद थे, इसके अलावा प्रभुचंद थे, तो ये लोग तो थे, लेकिन नाथ मुनि जो होता है ये कोई भी तीर्थंकर नहीं है। देखिए यहां पर अगेन आप बोलेंगे 24 तो याद करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं वो जनरली ऐसा होता है कि टॉप 5 के तीर्थंकर ले लिए जाएंगे या फिर बॉटम 5 के, और इस तरीके से जो होता है ऑप्शंस जो है वो डिराइव किए जाते हैं, तो इस वजह से हमेशा ये तैयार रखिएगा। इसके अलावा मल्लिका नाथ जी के बारे में भी जान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग इसको जो होता है जैसे श्वेतांबर वगैरह इनको वुमेन मानते हैं, जबकि जो दिगंबर है वो इन्हें मेल मानते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। प्रभास गिरी अगर बात करें तो दिस इज अगेन अ जैन पिलग्रिमेज सेंटर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर बात करें तो देखिए त्रिरत्न सिद्धांत जो हम लोगों ने जो है ट्राई प्रिंसिपल्स बात किए थे जैन में, जैसे सम्यक धारणा या फिर सम्यक चरित्र या फिर सम्यक ज्ञान, मतलब कि राइट नॉलेज राइट बिहेवियर, ये जो चीजें बात की थी वो किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपकी जैन से। हालांकि जो है देखिए बुद्धिज्म में भी ये बोला गया है, लेकिन बुद्धिज्म में जो है वो डिफरेंट टाइप, मतलब एट फोल्ड पाथ्स बताए गए हैं, और इस एट फोल्ड पाथ्स में जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड था, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था। वन वॉज द रिलेटेड विद बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब हो गया एक तरीके से क्या शील है, शील या फिर इसी को बोलते हैं सदाचार, दिस इज सदा, वन सेकेंड, सदाचार, ठीक है। दूसरा जो था वो रिलेटेड था समाधि से रिलेटेड था, दैट इज द सेक्रीफाइस, आप बोल सकते हैं दिस इज समाधि से रिलेटेड। और लास्टली हम लोगों ने देखा था प्रज्ञा के बारे में, प्रज्ञा दिस इज द हाउ यू कंट्रोल योर माइंड, ठीक है। तो इन सब में अगर बात करें तो यहाँ पर तीन प्रिंसिपल्स थे, यहाँ पर भी तीन प्रिंसिपल्स थे और यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स थे, तो इस तरीके से आप जो है बुद्धिज्म में देखेंगे तो टोटल 8 है, जबकि जैन में केवल और केवल 3 है और वो जैन से रिलेटेड हो जाएगा। सियादवाद के बारे में बात करें तो अगेन इसके बारे में हम लोग मेंशन किए थे, दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, जैन का ये जो है वो प्रिंसिपल था। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछे जाते हैं, इसमें डिटेलिंग नहीं आती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए अनेकांतवाद का प्रिंसिपल था, और ये प्रिंसिपल महावीर स्वामी ने ही दिया हुआ था। इन्होंने बोला था कि देखिए अगर आपको नॉलेज अटेन करना है देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू आइसोलेट, आपको आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आप ज्यादा से ज्यादा चीजों से इनकाउंटर हुई है, इससे क्या होगा कि आपको कई सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, एंड इनफैक्ट इट यू विल बी एबल टू इवेलुएट दोज डिफरेंट पॉइंट्स, और इस तरीके से आपको जो है वो कह लीजिए कि नॉलेज हो जाएगी, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर जो होगी वो जैन धर्म का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़े से टेक्स्ट छोटे जरूर हैं, बट स्टिल सुनते जाइएगा तो ऑब्वियसली जो है आपको क्लियर भी हो जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो जूम हियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, यानी कि जो जैन फिलॉसफी है उसके हिसाब से जो वर्ल्ड है, जो हमारा ये पूरा का पूरा ग्लोब है, वो किस तरीके से उसकी कह लीजिए कि जो होता है डेवलपमेंट हुई है, कैसे उसका जो है आगे बढ़ाया गया है, तो दिस इज बेसिकली मैटेरियलिस्टिक है, तो मैटेरियलिस्टिक का मतलब होता है सार्वभौमिक विधान से, तो दिस इज द थिंग, दिस इज द कह लीजिए कि जो होता है आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट, यापनीय किसका एक संप्रदाय है, तो देखिए हम लोगों ने जैन में कई सारी चीजों के बारे में बात किया था, डिफरेंट सेक्ट्स के बारे में, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने थेरापंथी, फिर उसके बाद से स्थानकवासी, तो कई सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात किया था, उसी में एक होता है जिसको यापनीय बोला जाता है, ठीक है। यापनीय फिलहाल जो मतलब टूट गई थी, डिफरेंट तीन पार्ट में हो गई थी, हालांकि बाद में जो होता है ये जाकर के दिगंबर सेक्ट में ही मिल गई है, तो अगेन जो होता है ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म। आगे नेक्स्ट, जैन साहित्य, जैन लिटरेचर्स व्हाट, ये है हमारे अगम होती है, अगम, इसके अलावा पूर्व होती है, एंड शमा होती है, तो इस तरीके से जो होता है शमा श्रवण, दिस इज शमा श्रवण, याद है कि नहीं है, तो देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कहूंगा कि पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए जो भी इससे रिलेटेड थ्योरीज बात की गई है, एंड में आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगी, और इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उस लेक्चर को अच्छे से देखे हुए हैं तो। फिलहाल अगर बात करें तो इसमें किस भाषा में लिखी गई है, मतलब लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज देखिए मैंने आप लोगों को बताया था
एक्चुअली इट वॉज प्राकृत, लेकिन ये लेटर पार्ट ऑफ द लिटरेचर है. लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में बात करें तो अर्ध मागधी में ये जो होता है अर्ध मागधी लैंग्वेज में ही लिखे गए थे. इनफैक्ट बुद्ध जो हमारे गौतम बुद्धा हैं, इसके अलावा जो महावीर है, ये दोनों लोगों ने भी जो अपने प्रीचिंग्स दी है, अपने जो सर्मन्स दिए हैं, वो भी एक्चुअली अर्ध मागधी ही लैंग्वेज में दिया है, क्योंकि ये उस समय की लोकल लैंग्वेज थी और लोग जो है इसे फ्रिक्वेंटली बोलते थे. तो ये हो जाएगी अर्ध मागधी. क्लियर हो गया क्या चीज है. बुद्ध में कौन सी लैंग्वेज में, बुद्ध में लैंग्वेज जो चलती थी इट वॉज द पाली, एंड महावीर के टाइम पे इट वॉज प्राकृत. और इसी वजह से प्राकृत जो होती है वो बाद में काफी ज्यादा जो होती है फ्लरिश कर गई थी. इनफैक्ट आफ्टर द टाइम ऑफ अशोका द लैंग्वेज प्राकृत एक्चुअली अडॉप्टेड बाई सेवरल किंगडम्स, एंड जितनी भी जो ऑफिशियल वर्ड्स होती थी वो प्राकृत में ही की जाने लगी थी बाद में. किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ. तो देखिए श्वेतांबर आगम, आगम का मतलब होता है द लिटरेचर पार्ट. और ये देखिए दो काउंसिल्स हुई थी, एक काउंसिल जो हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, सेकेंड जो काउंसिल हुई थी वो वल्लभी में हुई थी. दिस इज वल्लभी. तो अगर बात करें कि कहां पर स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, फर्स्ट वाले में ही. सेकंड वाले में क्या है कि पूरी तरीके से कंपाइल कर दिया गया था. यहां पर 12 अंग 12 उपांग्स ये याद में रखिएगा. बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि भाषा एंड बहुत सारी चीजें थी जो प्रिपेयर की गई थी, बट इतना आपको याद करने की जरूरत है सच नहीं है. आगे अगर बात करें तो महावीर, भगवान महावीर का फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट डिसिपल कौन था, तो ये था जमाली. तो आप याद रख सकते हैं जमाली, कोई दिक्कत नहीं है. इनके जो डॉटर थी दैट इज द अलोजिया, दिस इज अलोजिया. और इस इन्हीं का जो हस्बैंड था वो था जमाली, और यही बेसिकली आगे जाकर के महावीर का डिसिपल बन गया था. आगे अगर बात किया जाए तो निम्न कथनों में से विचार कीजिए, मतलब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो महावीर, वर्धमान महावीर की जो मदर थी वो लिच्छवी की जो एम्परर था उसके चेटक की डॉटर थी. नो, एक्चुअली डॉटर नहीं थी, वो क्या थी, सिस्टर थी. इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. गौतम बुद्ध की माता जो होती है कोली संप्रदाय की थी, बिल्कुल सही है, कोली डायनेस्टी की ही थी. 23rd तीर्थंकर जो होते हैं वो पार्श्वनाथ है, एंड वो बनारस में है, बनारस से है सॉरी. तो देखिए हालांकि इतना डिटेल आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता, और जनरली होता क्या है कि ये बट ऑब्वियस है और चीजें करेक्ट ही होती हैं. यू हैव टू लुक ओनली दिस, यहाँ पर आपको केवल देखने की जरूरत है. अगर ये 23rd दिया गया है और अगर वो करेक्ट है, देन ऑब्वियसली आगे वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, बिकॉज आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप कौन से, कहाँ से, किस जिले से हैं, ये सब जो होता है वो इतना याद रख पाना इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. ऑप्शंस भी देखेंगे तो देखिए 3 करेक्ट, और अगर आप फर्स्ट इनकरेक्ट है अगर आप ये जान लेते हैं तो ऑब्वियसली आप जो है आंसर सी मार्क कर लेंगे. आगे चलते हैं, एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन द आई गेस 2003 और 2004 का क्वेश्चन है. चलिए खैर आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन जैन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, मतलब कि जो अर्लीस्ट जैन है उसमें क्या सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. देखिए स्थूल बाहु, स्थूल बाहु कौन था, स्थूल बाहु थे श्वेतांबर सेक्ट के एक तरीके से. श्वेता इसके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में जो होता है साउथ इंडिया में जैन का प्रचार हुआ. नो, एक्चुअली इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये भद्रबाहु के लीडरशिप में हुआ था. पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में हुए श्वेतांबर, अगेन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ये स्थूल बाहु. यहां पर देखिए क्वेश्चन जो मतलब कि आंसर जो होते हैं वो पलट गए हैं. नाउ फर्स्ट सेंचुरी में जैन धर्म को, जैन धर्म में खारवेल का समर्थन मिला. तो देखिए ये सही स्टेटमेंट है, जो खारवेल कलिंग का था वो जैन धर्म को ही फॉलो करता था. इसके अलावा अगर बात करें बुद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन के लोग जो होता है चित्रों की पूजा करते थे. देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अगेन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर भी. ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को स्टेटमेंट देखिए क्या होती है कि एक होती है इलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर आप जो होता है क्वेश्चन को पूरी, सारे आंसर जरूरी नहीं है कि आपके हाथों होंगे, बट स्टिल यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. आप अपने प्री नॉलेज के हिसाब से जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इजिली कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं होता है. क्लियर हो गया क्या चीज है. आगे अगर बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो निम्न कथनों पर अगेन विचार कीजिए. क्या है भाई निम्न कथन, दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी उसमें वो बेसिकली जो होता है वो अगेंस्ट द बुद्धिज्म थे. नो, दिस वाज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट.
कोई भी जो होता है वो जैन के मतलब कि अगेंस्ट में नहीं था। पूर्वी भारत ईस्टर्न इंडिया के जो पाल रूलर्स थे वो समर्थक थे। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही बात है, एकदम जो होता है वो फॉलोअर थे। तो दिस इज द आंसर, यहाँ पे केवल और केवल सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आजीविका सेक्टर के बारे में बात करें तो देखिए आजीविका सेक्टर के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये नहीं माना जाता है कि कोई भी गॉड है, कोई भी कुछ है। ये माना जाता है कि वट एवर इज गोइंग ऑन इट हैज टू बी देयर। जो चीजें हो रही हैं वो लिखी हुई हैं, वो होंगी ही होंगी। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा लोगों से, तो लिखा हुआ था मेरे भाग्य में। तो ये जो भाग्य में लिखा हुआ था इसी को बोला जाता है आजीविका सेक्टर। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? मखली घोषाल। इनफैक्ट ये जो होता है बुद्धिज्म के साथ में जो होता है मतलब बुद्धा के साथ में इनका जो होता है थोड़ा सा कह लीजिए कि आपस में दोनों लोग भिड़ भी गए थे, मतलब कि दोनों लोगों के अगेंस्ट इनके जो थॉट्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, एंड दैट इज व्हाई ये जो सेक्ट है वो डिवाइड हो गया था। आजीविका सेक्ट काफी मतलब फॉलो किया गया था, ऑल्दो एक समय के बाद में फिर इसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी अगेन एक क्वेश्चन मार्क लग गया। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? तो देखिए भाग्य ही मतलब लक इज द एवरीथिंग दैट एक्चुअली डिसाइड्स योर डेस्टिनी। और ये बोला गया था किसके द्वारा? अभी हम लोगों ने बात किया आजीविका सेक्टर के द्वारा, तो ये जो है आजीविकाओं ने बताया हुआ था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध स्थिति की, उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे अगर हम लोग कौशाम्बी की या बात करें श्रावस्ती की, तो ये एक्चुअली दोनों से रिलेटेड है, बुद्ध से भी और जैन से भी रिलेटेड है। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी। यूपी पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस का ही क्वेश्चन बनता है। आगे अगर बात करें तो महान धार्मिक घटना एवं मस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो ये जो महामस्तकाभिषेक है ये बाहुबली के लिए की जाती है, क्योंकि इनकी ही जो है साउथ में एक स्टैच्यू बना के रखा गया है जो काफी बड़ा है। और इनफैक्ट यहीं से इनका ये जो महामस्तकाभिषेक वाला जो कह लीजिए इवेंट है वो स्टार्ट होता है। महावीर जैन के किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? महावीर जैन ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि बुद्ध और जैन ये दोनों लोग ही जो होता है अर्धमागधी में ये लोग अपने प्रीचिंग्स अपने सर्मन्स देते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन देखा जैन धर्म से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुद्धिस्ट क्वेश्चन के साथ में, बुद्धिज्म क्वेश्चन के साथ में, और अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे जो भागवत वगैरह है उससे रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।